प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के दिए नारे को जिले की बेटियां सार्थक कर रही है। सिरसा जिले की बेटियां आज हर क्षेत्र में परचम लहरा रही हैं। इसी कड़ी में साल 2020 में करनाल में हुई ऑनलाइन राज्य स्तर की प्रतियोगिता में गांव कागदाना स्थित राजकीय कन्या उच्च विद्यालय की दो छात्राओं ने प्रथम और जिला स्तर पर एक छात्रा ने प्रथम स्थान हासिल किया है। आज विद्यालय परिसर में छात्राओं को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल की प्रधानाचार्य सरला रानी ने बच्चों की उज्ज्वल भविष्य की कामना की। हमें आज बहुत खुशी हो रही है कि जिन बच्चों ने योग प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे, उन बच्चों को हमने सम्मानित किया है और साथ ही जो उन्हें सर्टिफिकेट्स मिले हैं वो भी उन्हें दिए गए हैं। और एक लड़की डिंपल शर्मा जिसका NMMS में अभी सिलेक्शन हुआ है उसे भी हमने सम्मानित किया है। तो इस तरह हम इन बच्चों का उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं और आगे आने वाले समय में भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारे विद्यालय के बच्चे हमारा इसी तरह से नाम रोशन करते रहेंगे। और विशेष कर से हम हरजी राम जी का सम्मान करते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं कि वो गांव कागदाना के बच्चों को इतनी ऊंचाइयों तक लेकर जा रहे हैं, क्योंकि योग जो है वो आज का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और स्वास्थ्य के लिए, स्वस्थ समाज के लिए योग बहुत ज़रूरी है। और हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ जी, लड़कियां जो हैं वो लड़कों से भी आगे निकल रही हैं हर क्षेत्र में और हमें जो है बहुत खुशी हो रही है कि हमारा जो विद्यालय है वो भी एक कन्या विद्यालय है और हम हर क्षेत्र में इनके सर्वांगीण विकास के लिए सदैव तैयार। अध्यापकगण हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने जब भी कोई भी कंपटीशन होता है या कोई भी किसी भी प्रकार का कंपटीशन होता है उसमें स्कूल की तरफ से पूरा सपोर्ट दिया जाता है जी हमें। और दूसरा, जो अभी हरियाणा योग की तरफ से ऑनलाइन कंपटीशन हुआ था अंतर्राष्ट्रीय लेवल के ऊपर, जिसमें से इस स्कूल के तीन बच्चियों ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है जो ऑनलाइन योगा कंपटीशन हुआ था। और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि मैं दोनों स्कूलों के बच्चों को योग करवाता हूँ, लड़के वालों को भी और लड़कियों वालों को, और जिनमें सबसे ज़्यादा लड़कियों ने पोजीशन हासिल की है इसी स्कूल की लड़कियों ने, लड़कों से लड़कियां बहुत आगे है, लेकिन उनको ऐसा माहौल क्रिएट करके दिया जाए ताकि वो अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए वो आगे बढ़ने के लिए उनको मौका मिले। मेरा नाम ममता है, मैं 10th क्लास की छात्रा हूँ और मैं योगा से इंटरेस्ट रखती हूँ और जो मैं योगा में ऑनलाइन कंपटीशन में पूरे हरियाणा में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है कि जो कि ऑनलाइन हुआ था वो, और हमें योगा करवा रहे हैं हमारे हरजीराम सर जी जो कि हमें बहुत आगे तक लेके जा रहे हैं और हम स्कूलों में भी इस तरह के पार्टिसिपेट्स करते रहते हैं और जो स्टेट खेलते हैं बच्चे उन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है। अब इन बच्चों को हमें 40,000 स्कॉलरशिप मिली है। मेरे को योगा बहुत अच्छा लगता है, मैं 1 साल से योगा कर रही हूँ।